उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के प्रीतनगर में झाड़ियों में मिली युवती के सिर कटे शव के मामले का खुलासा पुलिस ने आज कर दिया है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या धर्म परिवर्तन ना करने पर की थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। युवक के परिजन चाहते थे कि युवती धर्म परिवर्तन करे, लेकिन युवती राजी नहीं थी, जिसके चलते युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। युवती की हत्या किए जाने से पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रकरण गंभीर होने के चलते इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने शव को चौपान क्षेत्र से बरामद किया है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका की पहचान चौपान थाना क्षेत्र निवासी प्रिया सोनी के रूप में की गई है। प्रिया सोनी ने लगभग 1.5 माह पहले बगैर अपने परिवार की सहमति के अपने परिवार के पास रहने वाले अपने प्रेमी एजाज अहमद से विवाह कर लिया था। उसका पति उसे अपने घर में ना रखकर ओबरा स्थित एक लॉज में रख रहा था, साथ ही साथ उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का भी दबाव दे रहा था। मृतका धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। विवाद बढ़ने पर पति एजाज ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रिया की गला काटकर हत्या कर दी और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया था। आपको बता दें कि सोनभद्र के चौपान थाना क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को एक नवयुवती की सिर कटी लाश झाड़ियों से बरामद हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और युवती की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी किया था। सोशल मीडिया से सूचना पाकर युवती के परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त प्रिया सोनी उम्र 22 वर्ष के रूप में की। परिवार वालों ने बताया कि युवती ने बीती 7 जुलाई को एजाज अहमद नामक युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसी आधार पर जब पुलिस ने एजाज को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर शव का सिर भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी एजाज अहमद और उसके दोस्त शोएब अख्तर के पास से प्रिया का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड, चाकू व फावड़ा बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ऑल्टो कार भी बरामद की है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। पर की शाम को थाना चौपन के पीत नगर पर एक महिला का सरकटा शव मिला था, जिसकी बाद में पहचान प्रिया सोनी पुत्री लक्ष्मी सोनी के रूप में हुई थी। आज उसी हत्या का खुलासा हुआ है। जानकारी ये प्राप्त हुई कि प्रिया सोनी ने बीती सात जुलाई को एक लड़के एजाज अहमद के साथ में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी और एजाज अहमद के साथ में उसके घर में रहने के प्रयास कर रही थी। तो एजाज अहमद और उसके परिवार के द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा था कि बिना धर्म परिवर्तन किए तुम्हें हमारे यहाँ बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लड़की बार बार उसको अपने घर ले जाने के लिए कहती थी। इसी क्रम में जब वो लड़के ने आज ही जा कर के 19 सितंबर को, जब लड़की को एक ओबरा में एक हॉस्टल में रखा था पहले से, 19 सितंबर को वहाँ से बुलाया और अपने एक मित्र शोएब अख्तर के साथ मिल करके धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी और हत्या करके शर धड़ से अलग करके उसको पीत नगर के जंगल में फेंक दिया था। कल डॉग स्क्वाड की मेहनत के साथ में वो जो शव का सर है वो भी बरामद हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग डीएनए की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था वो बरामद हो गया है, जो मृतका का फ़ोन था वो बरामद हो गया है। उन्होंने जो हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए एक फावड़ा खरीदा था वो भी बरामद हो गया है और जिस कार का प्रयोग इस पूरी हत्या में किया गया वो कार भी बरामद है। इस घटना का खुलासा हो गया है। अब हम शीघ्र ही इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकरण में NSA की कार्रवाई भी करी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।